ओके सो फाइनली गाइस, ये रहा भाई एडवांस सर्वर फ्री फायर ओबी 42 का, जिसका हम वेट कर रहे थे। वैसे तो ये आने वाला था भाई 13 तारीख को, बट दो दिन पहले आया था, तुम्हें पता ही होगा। सो जस्ट मुझे कुछ भी नहीं पता कि इसके अंदर क्या चेंजेस हैं, क्योंकि मैं जस्ट अभी इसे ओपन कर रहा हूँ। वैसे वीडियो कल ही आनी थी बट थोड़ा लेट हो गया। एनीवे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, आगे इसके बहुत ही टॉप चेंजेस वाली वीडियो देखने को मिलते रहेगा, जिसके भाई फ्री फायर ओबी 42 के एक एक छोटा छोटा अपडेट में टोटल बताने वाला हूँ। जस्ट सर सब्सक्राइब कर लेना। तो फिलहाल मैं तभी देखते हैं आगे क्या क्या चीज इसके अंदर है। तो पहले मैसेज खोला, उसके अंदर कुछ चीजें मिली और यहाँ पर भी कुछ नए नए मोड आए, एंड साथ में भाई ये गिल्ड वॉर का इवेंट वाला मोड भी आ चुका है, ये देख लो, जिसके अंदर हम प्ले करके ना कुछ रिवॉर्ड वगैरह ले सकते हैं, बट उसे हम बाद में देखेंगे। लेकिन मेन यहाँ आता है मेन हमारा कैरेक्टर, यार कौन सा नया कैरेक्टर आया इस बार, क्योंकि हर बार तो एक दो कैरेक्टर देखने को मिलता है। और ये रहा गाइस वो कैरेक्टर जिसकी पोस्टर फोटो तो हमने पहले ही देख ही चुके हैं, इसका नाम एग्निस, ठीक है चलो नाम तो कुछ अजीब है, ठीक है हम इसके ज्यादा कुछ देखेंगे नहीं। अरे डायमंड परचेस भाई, इतने सारे डायमंड और मेरे पास एक डायमंड में ही पड़ा है, चलो इसे क्लेम करता हूँ, फटाक से क्लेम करते हैं यहाँ से और इसकी एबिलिटी को टेस्ट करते हैं भाई। वैसे इसकी एबिलिटी है क्या, ठीक है अंदर जाकर देखेंगे, यार पढ़ना है तुम लोग पढ़ लेना, बाकी और कोई कैरेक्टर है क्या। ओ तेरी, एक और कैरेक्टर टेस्ट बॉय, ये तो भाई पिछली बार था ना, ये वही कैरेक्टर है या दूसरा है इसका आइटम, आई थिंक लगता है यार हमारे गेम पे तो थाला कैरेक्टर आने वाला है, एमएस धोनी सर का ना, ये आई थिंक उसकी एबिलिटी हो सकती है, बट देखते हैं वो कब आता है। सो अभी इसको भी अनलॉक कर लिया हमने, एंड एक और चीज देखो, हमारा उकुंग भैया भी चेंज हो चुके हैं गाइस, ये अब बुश से भाई एक मंकी बंदर बन रहे हैं, आइस वाले बर्फ वाले, अरे यार ये भी क्रेजी है। ठीक है चलो एक एक करके हम अच्छे से बाद में देखेंगे, बट पहले ना उसकी एबिलिटी चेक करनी है फर्स्ट वाले की, ये है क्या, पिछली बार तो फायर फेंक रहा था एंड इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। सो हम आ चुके हैं यहाँ पर इसकी एबिलिटी मतलब एबिलिटी यार एक्टिव स्किल में, तो ट्रेनिंग ग्राउंड पे जस्ट वेट टेस्ट, अरे यार ये तो वही एबिलिटी है जो कि पिछले बार था फायर पे, हाँ पिछले बार टेस्ट बॉय के नाम पे पास ऐसे रेंडम करेक्टर था, इस बार इसकी एबिलिटी नाम ठिकान सब कुछ मिल चुका। और ये किसका ड्रोन है भैया नीचे उड़ रहा है क्यों, ओ वाह लगता है कोई और एबिलिटी है। तो सबसे पहले यार इसे देख लो, ये वही कैरेक्टर है जो पिछले बार टेस्ट बॉय के नाम पे था और इसका फाइनल एबिलिटी मतलब इसके साथ जुड़ चुका है, तो ये बस आई थिंक उतना कुछ मजेदार तो नहीं लगा। हाँ एक फायर बॉल का आग रूम बना रहा है जिसके अंदर हम जाके बैठ बैठ सकते हैं, लेकिन यार नीचे देखो ना एक ड्रोन पड़ा हुआ है, और ये किस कैरेक्टर की एबिलिटी है यार, और ये करता क्या है, ओए अरे अरे मैं इधर भटक कैसे गया भाई, ये क्या हो रहा है, ये गिल चुली से क्या, ओके डोंट वरी चलो ठीक है दूसरे वाले को टेस्ट करके देखते हैं ये टेस्ट बॉय हमारा क्या करने वाला है। सो आई थिंक लगता है मुझे ना ये ड्रोन उसी कैरेक्टर का है, और ये देखो ये अपने बॉडी से एक ड्रोन शूट करता है, ये ड्रोन जाके बंदों को लगने के बाद ना उसे डैमेज तो नहीं करता, बट हाँ उसके कैरेक्टर को एक जगह पे फ्रीज कर देता है, ये देखो अभी अपने जगह से ना भाई रन कर ही नहीं पा रहा है, बस जंप कर रहा है और इधर फायर कर रहा है, यार उतना भी कुछ खास नहीं लगा ये। हाँ ये थोड़ा डैमेज भी देता, और अगर बंदे भाई पूरी तरह से स्टक हो जाते हैं डैमेज मतलब ना ही फायर कर पाते और ना ही हिल पाते भाई एक जगह पे खड़े ना, तो शायद मजेदार होने वाला था एंड कुछ ज्यादा ही हो जाता, बट ठीक है चलो ये अपने बॉडी से एक ड्रोन शूट कर रहा है, और पता नहीं हो सकता है यार थाला देखो यार ये पूरी तरह से एक जगह पे फ्रीज हो चुके हैं, ये थाला के अंदर हो सकता है। लेकिन चलो उकुंग भैया का भी थोड़ा सा टेस्ट कर लेते हैं कि इसके अंदर क्या चेंजेस है, और ये हमारा उकुंग वाला व्हाट गाइस ये बंदर अब छोटा सच में बंदर बन गया, यार ये कितना ज्यादा कोसम है, और ये पी क्या रहा है भाई, कौन सा ड्रिंक नशे कर रहा है ये सस्ते नशे। तो ये बंदर का एक ट्विस्ट भी ऐसा है ना, देखो यार मैं ज्यादा अच्छे से एबिलिटी टेस्ट करके दिखा रहा हूँ, बट हाँ आने वाले वीडियो में बहुत अच्छे से दिखाने वाला हूँ। लेकिन यार इसके साथ कुछ ट्विस्ट है ना कि जब हम इस वोकों को, हाँ वोकों को यूज करते हैं ना, तो पहले तो ये बुश बन रहा था और लग रहा हो कि भाई ये बुश ही ठीक था, क्योंकि ये व्हाइट कलर का वैसा बन रहा है तो यार सबको ऐसे ही दिखने वाला है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसे देखने का नजरिया दो तरीके से हो चुका है। अब तुम इस तरह से वोकों को यूज करोगे ना तो तुम्हारे व्यू में कुछ ऐसे दिखेगा बंदर, मतलब इस तरह से बना हुआ एक क्रीज बंदर, लेकिन जो एनिमी हो गए ना उसके भी उसे देखोगे तो नॉर्मल गाइस बुशी रहने वाला जैसा पहले था, वो घास वाला ही, ये हमारे व्यू से बस ऐसा दिखता है एनिमी के साइड पे, वो नॉर्मल बुश पहले वाला की जैसा ही है। हाँ यार पता नहीं कुछ थोड़ा सा अलग है, बट चलो एक क्लासिक मैच स्टार्ट करते हैं। और हैं अरे यार क्लासिक मैच ही हटा दिए इन लोगों ने क्या भाई, यहाँ तो रैंक मैच है क्लासिक तो है ही नहीं। ठीक है चलो एक रैंक मैच स्टार्ट कर लेते हैं, और विंटरलैंड ओके आई थिंक विंटरलैंड आ गया क्या हमारे गेम के अंदर भाई, ये लॉबी के अंदर तो विंटरलैंड शो कर रहा है, मैप के अंदर देखते हैं पता नहीं क्या, व्हाट गाइस भाई विंटरलैंड सच में आ गया, और सच में यार मुझे नहीं यकीन हो रहा कि भाई विंटरलैंड रिटर्न फिर से देखने को मिल चुका है,
भाई ये कूल है यार, मतलब मुझे यकीन नहीं हो रहा है। ओके ठीक है चलो नीचे लैंड कर देखते हैं यहाँ पर क्या चेंजेस हैं। और ये जो मुझे ना वाटर के अंदर कुछ लोचे क्यों लग रहे हैं भाई, ये ऐसा लग रहा है जैसे। ओके ठीक है नीचे देखते हैं और क्या क्या चेंजेस आ गए हैं। भाई इस बार के एडवांस सर्वर तो सच्ची में कूल है, लेकिन ये कौन सा ही नहीं ले रहा भाई। ओके नोटिस करो, एक मुझे ना इनहेलर मिला है पर जो कि कुछ अलग डिजाइन का है। भाई ये क्या है यार, देखो ज्यादा कुछ तो मैं इसके बारे में नहीं बता सकता क्योंकि मुझे भी नहीं पता, बट हाँ आगे देखते हैं और क्या क्या होता है। और यहाँ पर एक टोकन का, ओ भाई 200 टोकन मिले। ओके तो क्या अब हमें ऐसे टोकन मिलने वाले हैं, गिरे नहीं मिलेंगे क्या, पता नहीं यार क्या ही होने वाला है। और इस इनहेलर का भाई क्या ही करूँ, अरे इसे मारने के बाद हमें ईपी भी नहीं मिला। भाई क्या लोचे होने वाले इस बार गेम के अंदर। यार इस बार का गेम ना बहुत ही यूनिक एंड खतरनाक होने वाला है, चेंजेस बहुत ही मस्त वाले आने वाले, उससे भी ओपी। तुम लोग ये देखो ये रिवर साइड में ना कुछ लोचे तो लग रहे हैं। और हमारा हुकुम का बच्चा ये रहा छोटा वाला, जो कि देख लो मैप स्नो में पूरी तरह से मैचिंग खा रहा है और पूरा का पूरा वाटर फ्रीज हो चुका है भाई। वैसे ठीक है यार, मतलब ऊपर से बर्फबारी हो रही है तो नदी वगैरह तो जम ही जाएंगे ना, लेकिन यार देखने में बहुत ज्यादा कूल लग रहा है। और साथ में इधर ना बर्फ वाले छोटे छोटे पत्थर भी डाल दिए हैं तो देखने में और भी ज्यादा मस्त लग रहा है। और साथ में लूट भी दिए यार, ये वाटर के अंदर हमें लूट भी मिल रही है गाइस, ये देखो। चलो ठीक है ये तो सच में कूल है एंड मस्त है। विंटरलैंड का इवेंट खेलने में ना ये वाला मैप मजा आएगा, मतलब बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। बट ये मैप ना सिर्फ बरमुंडा मैप के अंदर है स्नो और पड़ने वाला है, बाकी कोई और अदर मैप खेलोगे ना तो वो सेम जैसा पहले था वैसे देखने को मिलेगा, बस बरमुंडा मैप के अंदर ही स्नो वॉल हो रहा है गाइस। और ये टोकन वाला देखो हर जगह पे देखने को मिलेगा, मतलब मैप में बहुत जगह पड़े हुए हैं, इसके अंदर सामने जाओगे 200 टोकन ऐसे मिल जाएंगे। और क्या बात है यार, मैं वाटर के ऊपर भाई गाड़ियों से ड्राइव कर रहा हूँ, कभी सोचा नहीं था कि भाई कुछ ऐसा भी देखने वाला है फ्री फायर के अंदर, स्नो बॉल के अंदर वाटर जमा हुआ। ठीक है यार चलो थोड़ा यूनिक एंड मस्त तो लगा, बट काश यार जैसे अपडेट आए ना ये विंटरलैंड का इवेंट तुरंत से दे दे तो मजा आने वाला है। बट उससे भी यूनिक चीज ये देखो तुम लोग, यहाँ पे हमने एक और मैच लगाया जो कि नेक्स्ट मैप था, और यहाँ पर हमने शॉप में बाय किया तो मुझे क्या मिल रहा है देखो। What? ये भाई नीचे लैंड में, अरे क्या मतलब बोलूं इसका, नीचे लगा के गोलियां वाले फाड़ करता वो वाला चीज गाइस देखने मिल रहा है। और ये पता नहीं कौन सा ग्लू वाला है भाई, क्या इन ऐसे करता है ये। और दूसरी चीज इसके अंदर मुझे डिमिट्री कैरेक्टर मिल रहा है, असंभव असंभव भाई ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया, यानी कैसे हो गया गाइस, रुको रुको मुझे भी नहीं पता ये क्या हो रहा है। तो इसे मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, और मेरे पास एक डिमिट्री कैरेक्टर का एबिलिटी आ गया जो कि मैंने इस बॉक्स अभी परचेस किया है। ये भाई क्या हो रहा है गेम के अंदर, अरे ऐसे तो कैरेक्टर को लेके ही नहीं आएगा गेम के अंदर। गाइस हम सारे कैरेक्टर की एबिलिटी को आप परचेस भी कर सकते हैं गेम के अंदर बॉक्सेस से। और ये देखो हमने इसे यूज किया, बट हाँ ये वन टाइम यूज होता है, एक बार यूज करने के बाद ये खत्म हो जाता है, मतलब दोबारा से हम यूज नहीं कर सकते, करना होगा तो हमें फिर से परचेस करना होगा। बट इसमें भी यार ये बहुत ज्यादा कूल है, और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि भाई बस एक ही एबिलिटी मिल रहा है डिमिट्री का, पूरे एक्टिव स्किल में जितने भी कैरेक्टर है ना सबकी एबिलिटी तुमको इस शॉप से देखने को मिल जाएगा अगर वो आता है तो खर्च करने के बाद। और चाहे तुम यहाँ पर शॉप से भी बाय कर सकते हो, दो तीन एबिलिटी यहाँ पर भी देखने को मिल रहे हैं। इस बार का अपडेट एकदम यूनिक एंड ऑसम है ब्रो, भाई जवाब नहीं है एकदम नेक्स्ट लेवल का। ठीक है इसके आगे तुमको आप जो भी वीडियो देखने को मिलने वाले हैं ना ओपी 42 के अपडेट से छोटे छोटे एक एक बारे के चेंजेस हर एक चीज को कवर करके तुम्हें बताने वाला हूँ। तो यार इसके लिए चलो क्या कर रहे हो यार, एक लाइक तो कर दो और साथ में सब्सक्राइब भी कर लेना, तभी तो आगे वीडियो देख पाओगे ना। तो चलो बिंदास से कर लेना, अभी तो मुझे कुछ नहीं पता था, बट हाँ नेक्स्ट वीडियो कल बहुत ही तगड़ी आने वाली है, देखना जरूर से।